रक्षाबंधन आ रही है, रक्षाबंधन पे हम मिठाइयाँ लेके आते हैं बाजार से, घेवर लेके आते हैं, लेकिन आज हम बाजार का घेवर नहीं लेके आएंगे। अब से हम घेवर घर पे ही बनाएंगे, बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही इजी तरीके से ये हमारा घेवर बनके रेडी हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया लगता है ये घेवर। बाजार में तो पता नहीं कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। उससे पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो देखिए, देखने में बिल्कुल बाजार जैसे घेवर बनके रेडी हुए हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी, छोटी एक कटोरी घी। फिर इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। डालने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे हाथ की सहायता से। देखिए इस तरीके से, एक एक टिप जो बता रही हूँ मैं, आप वही फॉलो कीजिएगा, जिससे आपके घेवर परफेक्ट बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने घी और आइस को अच्छे से फेंट लिया है। तो ये देखिए, अब इस आइस को हम निकाल लेंगे स्मूथ सा। ये देखिए, इस तरीके से हमारा मक्खन टाइप का बन के रेडी हो जाएगा और जितनी आइस बचेंगी उनको हम निकाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा हम थोड़ी थोड़ी कर करके डालेंगे, एकदम से मैदा नहीं डालेंगे, थोड़ी मैदा डाल के इसमें इस तरीके से फेंट लेंगे। इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ और डालूंगी, जिससे हमारे घेवर बाजार जैसे बनके रेडी हो जाएंगे। और हलवाई भी घेवर में वो एक चीज़ डालते हैं जिससे उनके बिल्कुल बढ़िया घेवर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी थोड़ी मैदा करके मैं डाल रही हूँ और अच्छे से फेंट रही हूँ, जिससे हमारा इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। लम्स रह जाएगा तो हमारे घेवर बढ़िया नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से हाथों से हमें अच्छे से फेंटना है इसको। अब ये देखिए, धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने पूरी मैदा डाल दी है, धीरे धीरे करके मैंने तीन बार में इस मैदे को डाला है और अच्छे से फेंट रही हूँ मैं। और पानी हमें ठंडा लेना है, चील्ड पानी लेना है। चील्ड पानी से हम अच्छे से ये बैटर हमारा बनेगा। अब इसमें मैंने डाल दिया है बेसन, एक चम्मच बेसन डाला है। बेसन ही इसमें घेवर में एक ऐसी चीज़ है जिससे बिल्कुल हलवाई जैसे घेवर बनते हैं, तो बेसन ज़रूर डालिएगा। अब इसमें जैसे कि देखिए, मैं धीरे धीरे चील्ड पानी डाल रही हूँ। अब इस बैटर को घोलें तो बिल्कुल चील्ड पानी में घोलें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो बैटर हमें बिल्कुल पतला चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये बैटर अच्छे से फेंट लिया है। मैं रेनू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनू द किचन चैनल पे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बाउल में लेके छान और लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत अगर इसमें लम्स हो तो वो इसमें छलनी की सहायता से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पूरे बैटर को छान लिया है, ये देखिए। अब इसे हम क्या करेंगे, आइस के ऊपर रख लेंगे, जिससे हम थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। तो ये बैटर हमारा हमें ठंडा ही चाहिए, वरना हमारे घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से हम इसको आइस पे रख देंगे, जिससे ये पेस्ट हमारा ठंडा रखा रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला रख लिया है। अब देखिए, इस तरीके से बोतल में मैं पेस्ट को डाल लूँगी और फिर अच्छे से तेज, जब हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम इस तरीके से अपने बैटर को डालेंगे। देखिए, धीरे धीरे करके बीचों बीच डालना है हमें इसे, और देखिए इसकी सहायता से बीच में हमें इसमें होल कर देना है, जिससे इसमें बीच में होल हो जाएगा। देखिए, जैसे घेवर में होता है ना वैसे। और देखिए, धीरे धीरे कर करके बोतल की सहायता से हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे और बीच में हम इस तरीके से होल करते जाएंगे। तो बिल्कुल बाजार जैसे परफेक्ट हमारे घेवर घर पे ही बनके रेडी हो सकते हैं। तो हम बाजार क्यों जाएं और बाजार से लेके क्यों आएं घेवर को, तो इस तरीके से आप घर पे ही बनाइए। और यहाँ पे देखिए, हम धीरे धीरे कर करके इसमें पेस्ट को डाल रहे हैं और फिर गैस की फ्लेम को, जैसे कि मैंने बताया, तेज रखना है हमें और बीच में इस तरीके से होल करते जाना है। काफ़ी बढ़िया लगते हैं घेवर। रक्षाबंधन आ रही है तो अपने घर पर घेवर बनाइए और खाइए। ये देखिए, इस तरीके से हम डालते जाएंगे। तो ये देखिए, अब साइड इसकी हम छुटा लेंगे इस तरीके से, जिससे ये अंदर को जाएगा तो ये क्रिस्पी सिकेगा। तो ये देखिए, अब ये सिक चुका है। तो ये देखिए, वाओ, हमारा घेवर बनके रेडी हो गया है। कितना बढ़िया घेवर बना है। और इसको इस तरीके से रख देंगे, जिससे इसमें जितना भी तेल होगा सब निकल जाएगा। तो दूसरा भी हम इसी तरीके से बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से कितना बढ़िया घेवर बनके रेडी हुआ है। अब इनको हम रख देते हैं, जितना भी इसमें, देखिए ये हमारे घेवर हमने बना के रेडी कर लिए हैं। कितने बढ़िया बाजार जैसे घेवर बन के रेडी हुए हैं, दिख रहा होगा आपको भी, बिल्कुल परफेक्ट घेवर बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए, अब इनको हम थोड़ा साइड पर रख देते हैं और यहाँ बनाते हैं चाशनी।
चाशनी के लिए हमने एक बोल ले लिया है और एक कटोरी शक्कर। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना टाइम लग जाएगा चाशनी में, थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है इसमें। और इसमें हमें चाहिए एक तार की चाशनी। तो ये देखिए यहाँ पे एक तार बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए एक तार की चाशनी चाहिए, ये देखिए इस तरीके से। और इसको थोड़ा हल्का सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का सा ठंडा करेंगे। और फिर जब तक ये ठंडी हो रही है, थोड़ी सी, ज़्यादा ठंडी नहीं, थोड़ी सी ठंडी हो रही है, तब तक हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो रबड़ी के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है, पैन में मैंने खोआ ले लिया है। खोए में हम हल्का सा डाल लेंगे दूध, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए दूध और खोआ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चाशनी जो भी हमने बनाई थी, 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और अच्छे से मिक्स करके इसको हम रबड़ी में बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी रबड़ी बनके रेडी हो गई है, कितनी फटाफट हमारी रबड़ी बनके रेडी हुई है। तो ये देखिए, अब इसको गैस को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं हम अपना घेवर और जो चाशनी है, चाशनी डालते हैं इस पर। जैसा कि मैंने बताया था आपको, थोड़ी ही ठंडी करनी है, ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है हमें चाशनी को। एक तार की चाशनी चाहिए हमें। और फिर ये सारे घेवर पर हम इस तरीके से चाशनियों को डाल लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगते हैं घेवर, और घर पे बना के रेडी करेंगे तो काफ़ी और टेस्टी लगेंगे। वो बाज़ार से लाते हैं, इससे अच्छा है अपने घर पे ही बनाएं। तो यहाँ पे देखिए सभी घेवरों पे मैं चाशनी इस तरीके से डाल दूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट घेवर हमारे बनके रेडी हो गए हैं। आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ये अगर आपको विदाउट रबड़ी के खाना है तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बढ़िया से हमारे घेवर बनके रेडी हो गए हैं। लेकिन इस पे चलिए एक पे हम रबड़ी अब लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने एक प्लेट पे रख लिया है और चारों तरफ इस पे हम रबड़ी फैला लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आप सभी को मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से बिल्कुल रबड़ी फैला रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है घेवर, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, रक्षाबंधन आती है तो सभी को बहुत मज़ा आता है रक्षाबंधन पे, और ये घेवर तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए हमने दोनों पे रबड़ी फैला ली है चारों तरफ, और बाकी की हमने जो सेके थे दो वो ऐसे ही रख लिए हैं, तो इनको हम ऐसे भी खा के इनको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे बढ़िया बढ़िया घेवर बनके रेडी हो गए हैं, देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे घेवर। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जो जो टिप मैंने बताई हैं जैसे जैसे बताया है वैसे ही बनाइएगा, तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनके रेडी हो जाएगा।